तो ये तस्वीरें आप चौड़ा मैदान से देख रहे हैं, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी पहुंचे हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर, पॉलिसी की डिमांड को लेकर। लंबे अरसे से पॉलिसी की आउटसोर्स कर्मचारी यहां पर मांग कर रहे हैं और आज विधानसभा सत्र लगा हुआ है। तो ऐसे में चौड़ा मैदान से तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं लंबे अरसे से, कई वर्षों से विभिन्न भागों में ये लोग, लेकिन भविष्य जो है वो आधार में है। कई पॉलिसी की मांग जो है सरकार से कर रहे हैं। देखिए अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन? सर सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु का यहां पे पधारने पर सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हमारा जो ये कार्य है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है ये हमेशा से ही एक ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को, और पिछले 15 सालों से 20 सालों से हम लोग एक स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है हिमाचल के इतने सारे लोग जो कि आउटसोर्स में है, सरकार जो है उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। कुछ लोगों को 20-20 साले हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 55 साले से भी ऊपर हो गई, और अब उनका क्या होगा, यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई ऐसी स्थायी पॉलिसी बनाए, और अगर स्थायी पॉलिसी नहीं बना सकती, अगर हमें सरकार रेगुलर नहीं कर सकती, तो हमारे लिए एक नोटिफिकेशन सरकार जो है निकाले कि 58 साल तक जो है हमें नहीं निकाला जाए, ताकि जॉब सिक्योरिटी हमारी बनी रहे, क्योंकि हमें हर साल जो है हमारे गले में एक तलवार लटकी रहती है कि हमारा अब एग्रीमेंट न्यू होगा कि न्यू होगा।
क्योंकि सर हमें भी 10-12 साले हो गए, 15-15 साले होगी विभाग में। अब हमारी तो एज ऐसी हो गई है कि हम लोग ना तो हम इस जॉब को करने के लिए रह गए हैं, ना ही इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ उम्र के ऐसे उम्र के पड़ाव होते हैं जो कि 45-50-55 साल में पहुंच गए। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि 40 से ऊपर ही है। अब लोग हम लोग तो नया काम भी कोई शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें कम से कम 10-12 साल लगती है। अब हम इस उम्र के पड़ाव में हैं कि अगर हम नया काम शुरू करेंगे तो हम लोगों को 8-10 साल लगेगी, उतने में हमारी उम्र निकल जाएगी। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि पूछते हैं, पापा आपकी सैलरी कितनी है, आप रेगुलर जॉब में हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम लोग जो है सरकारी काम करते हैं, सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वेतन सिर्फ नाम मात्र का दिया जाता है, कहियों को 8,000, कहियों को 10,000 और कहियों को 15,000। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार जो है ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारों को जो है मुंह मांगे कीमत मिल रही है, हर एक कर्मचारी से जो है 3,000, 4,000, 5,000 अलग अलग रेजिग्नेशन के हिसाब से हर एक कर्मचारी से जो कमीशन ली जा रही है। तो हम सरकार से यही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि बहुत बड़ा फैसला है जो गोल्ड पेंशन दे सकते हैं, तो हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि सरकार से सुखविंदर सुक्खू की सरकार से हमें पूर्ण आशा है, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो ओल्ड पेंशन को हिमाचल में लागू कर सकते हैं वो हमारे लिए भी एक स्थायी पॉलिसी ला सकते हैं, हमारे लिए भी एक सम्मानजनक वेतन दे सकते हैं, हमारे लिए एक हम तो इस दुविधा में रहते हैं कि हम लोग परिवार में जाए तो उनका एक पालन पोषण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सैलरियां 10 से 12 हज़ार रुपए में है। आजकल हम हर डिपार्टमेंट में एक क्वार्टर लेके रहना पड़ता है, आजकल जो क्वार्टर का किराया है वो 4 से 5 हज़ार रुपए है। अगर 10,000 किसी की सैलरी है तो आप खुद ही सोचिए कि 10,000 में आदमी क्या करेगा, क्वार्टर का किराया देगा, बिजली का पानी का देगा, बच्चों की फीस देगा। कई मदर फादर है हमारे और वो बूढ़े हो गए, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपना गुजारा नहीं कर सकते, अपने परिवार का गुजारा क्या करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो है ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको बंद किया जाए और हमारे लिए एक स्थायी पॉलिसी लाई जाए। जब तक अगर स्थायी पॉलिसी नहीं लाई जाए तो सरकार जो है एक नोटिफिकेशन जारी करे कि 58 साल तक हमें ना निकाला जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए, और हमें जो है जो आउटसोर्स के बाहर भी निकाले गए कर्मचारी है, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उनको भी जो है विभाग में लिया जाए, उनको भी किसी हिसाब से विभाग में मर्ज किया जाए, हमें भी इसमें मर्ज किया जाए और एक स्थायी पॉलिसी लाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी लोगों का। जी सबसे पहले शॉर्ट में बोलना, हमने ना ज़्यादा लंबी करके भी जितना पहले। जी मेरा नाम पुनीत सोनी, मैं आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ से एक्शन कमेटी का चेयरमैन। मैं सबसे पहले मीडिया साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इसमें पर हमारी आउटसोर्स कर्मचारी की मांग को सरकार के समक्ष रखने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं। तो हमारी जो मांग है, आपने देखा होगा कि हर बार जब विधानसभा होती है तो आउटसोर्स कर्मचारी शिमला में कभी धर्मशाला में आता है। आपको पता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी कितनी, 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है और हिमाचल से आते हैं। कुछ एक साथी हमारे ऐसे भी हैं जो पैसे किसी से मांग कर उधार लेकर आते हैं और हर बार सरकार हमें आश्वासन ये दे देती है कि हम आपके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। हम सरकार को ये नहीं बोलते कि आज हमें रेगुलर कर दें, हम सरकार से ये 3 हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो हैं, एक हमारी जॉब सिक्योरिटी दे दे और ऊपर से जो ठेकेदार या कंपनी उनको बाहर करके हमें विभाग और बोर्ड निगमों से सैलरी जो है विभागों से डायरेक्ट दी जाए, और जो हमारी मतलब उन जो मांग है जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो विभागों से निकाल दिए गए हैं।